Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to read our chapter, What is a Habitat? Okay, Unit 1 ne. Habitat is a place where a living thing lives. Living things ka aapko pata hai na? All the living things that can breathe, grow and move. They are called living things. Living things include all types of animals, plants and organisms that grow, breathe and move. हैबिटेट उस प्लेस को कहते हैं जहाँ तमाम लिविंग थिंग्स रह सकती हैं, और लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? दैट कैन ग्रो, ब्रीद एंड मूव. अ लिविंग थिंग नीड्स वाटर, फूड, एयर एंड शेल्टर टू लिव. लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? उन्हें वाटर, फूड, एयर एंड शेल्टर चाहिए होता है रहने के लिए, घर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट हैबिटेट्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट आपको पता है, एक सहरा को कहते हैं. डेजर्ट्स आर हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट. उनका टेम्परेचर दिन और रात में फर्क होता है. दिन के टाइम डेजर्ट्स जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, रात को यहाँ टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है. दे आर ऑल्सो वेरी ड्राई. द एनिमल्स दैट लिव देयर नीड वेरी लिटिल वाटर टू सर्वाइव. कैमल का आपको सबको पता है, इसको सहरा का जानवर कहा जाता है. और यहाँ जो एनिमल डेजर्ट्स में रहते हैं उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. कैमल है, रेटल स्नेक है एंड फैनिक फॉक्स जस्ट आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स. दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज. यानी ये जो एनिमल है ये पानी के बगैर कई कई दिन तक गुजारा कर सकते हैं. कैक्टस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट. कैक्टस भी ऐसा प्लांट है जो कि डेजर्ट का प्लांट है. सो डेजर्ट हैबिटेट में हमारी डिफरेंट एग्जाम्पल है कैमल, रेटल स्नेक एंड फैनिक फॉक्स पर. और ये जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं इनको कम पानी चाहिए होता है, ये पानी के बगैर कई कई दिन तक गुजारा कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरेस्ट हैबिटेट. व्हाट आर द फॉरेस्ट हैबिटेट? फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट ग्रोस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर. आपको पता है ट्रीज को, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है. अ फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वाटर, शेल्टर एंड फूड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल. फॉरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है वाटर, शेल्टर एंड फूड किसको? प्लांट्स को और एनिमल्स को. मैनी एनिमल्स हैव देयर हैबिटेट इन फॉरेस्ट. बहुत सारे एनिमल्स के जो घर होते हैं वो कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं. देर आर बर्ड्स दैट हैव मेड देयर होम इन ट्रीज. आपको पता है बर्ड्स के नेस्ट इन बुशेज में या लॉन्ग ग्रासेस में उन्होंने अपने घर बनाए हुए होते हैं. सम फॉरेस्ट एनिमल्स इंक्लूड्स गोरिल्लास, बियर्स एंड वुल्व्स. डिफरेंट फॉरेस्ट एनिमल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? गोरिल्लास, बियर्स एंड वुल्व्स. फॉरेस्ट हैबिटेट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओशन हैबिटेट. 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय ओशन. आपको पता है 30% हमारा लैंड है, 70% अर्थ जो है वो कवर्ड है पानी से. द एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन आर कॉल्ड मेरीन एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि ओशन में रहते हैं उन्हें हम मेरीन एनिमल्स कहते हैं. मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैव देयर हैबिटेट्स इन द ओशन. जिस तरह बहुत सारे बर्ड्स या बुशेस का जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो ओशन भी है. दे लिव इन द रॉकी एरियाज. वो जो रॉक्स के बने हुए डिफरेंट एरियाज हैं उनमें रहते हैं. उसमें जो डिफरेंट स्मॉलर टाइप ऑफ फिश या इंसेक्ट्स होते हैं वो रॉकी एरियाज में या चट्टानों में छुप जाते हैं, क्योंकि ये होता है कि बड़ी फिश या बड़े एनिमल उनको खा जाते हैं. द बिगर फिश ईट द स्मॉलर फिश. सम फिश ईट मैरीन प्लांट्स एंड एल्जी दैट कलेक्ट ऑन द रॉक्स. वेल्स, शार्क्स, ऑक्टोपसेस, सी हॉर्सेज एंड स्टार फिश आर सम वेल नोन मेरीन एनिमल्स. दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेरीन एनिमल्स. सो टूडे वी हैव डिस्कस वॉट इज हैबिटेट एंड वी हैव डिस्कस थ्री काइंड ऑफ हैबिटेट. ओशन हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट एंड डेजर्ट हैबिटेट. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज.